हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सिमी शर्मा। हम लोग हिमाचल प्रदेश की जीके कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का ज्योग्राफिकल एक ओवरव्यू लिया। सेकंड लेक्चर में हमने हिमाचल प्रदेश में हिमालयाज के बारे में पढ़ा, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्स के बारे में, और इसके बाद हम हॉट स्प्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम लेक्स के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी लेक्स हैं, जो झीलें हैं, जो मानव निर्मित भी है और कृत्रिम भी है, मैन मेड भी है और आर्टिफिशियल भी है और नेचुरल भी है। और अगर हम देखें तो हम बात करें सबसे पहले अगर हम बात करें चंबा की, तो चंबा में खजियार, मणिमहेश, चंद्रकूप ताल और लामा झील, चार झीलें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कांगड़ा की, तो कांगड़ा में पोंग, डल, मच्छियाल और करेरी, ये चार झीलें ऐसी हैं जिससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कुल्लू की अगर बात करें तो दशहर, सखालसर और मानतलाई, तीन झीलें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। मंडी में पराशर, रिवालसर, पंडो, ये तीन झीलें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें बिलासपुर और ऊना की, तो गोविंद सागर झील सभी को पता है। अगर हम बात करें लाहौल स्पीति की, नीलकंठ, सूरजताल झील और चंद्रताल झील इम्पॉर्टेंट है। अगर किन्नौर की बात करें तो नाको झील, सोरंग झील बहुत इम्पॉर्टेंट है। और शिमला की बात करें तो कराली, बाड़ा डोसर झील और चंद्रनाहल झील बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट झीलें हैं, उसके अलावा अब हम अगर डिटेल में झीलों के बारे में जानेंगे कि कहाँ कहाँ कितने ऑल्टीट्यूड में झीलें हैं और कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है और इसके पीछे क्या स्टोरी रहती है, तो हमें याद करने में और भी आसानी हो जाती है। अगर हम ऑल्टीट्यूड के हिसाब से देखें कि समुद्र तल से कौन सी झील कितनी ऊंचाई पे है, तो सबसे पहले हम बात करें तो सूरजताल की, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे सूरजताल झील है। इसमें से भी ये क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे ऊंचाई पे कौन सी झील है, तो सूरजताल झील की अगर हम ऊंचाई देखेंगे तो 4883 मीटर है, और ये यहाँ से भागा नदी निकलती है, ये भागा नदी का सोर्स है, लाहौल स्पीति में है। दूसरी चंद्रताल झील की बात करें, जैसे हमने पढ़ा 4270 मीटर की ऊंचाई पे है, इसे लेक ऑफ मून भी कहते हैं, चांद की झील भी कहते हैं, और ये चंद्रा जो हमारी रिवर रहती है उसका सोर्स है। कुंजुम रेंज से ये निकलती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में है कि ह्यून सांग ने इसे लोहित्या सरोवर कहा था, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम बात करें उसके अलावा, धनकर लेक है, 4140 मीटर की रेंज में है। आपने इसमें बस यही याद रखना है क्योंकि धनकर मोनेस्ट्री है, उसके पास ही ये झील है और स्पीति वैली में है। दूसरी अगर हम बात करें, धनसर लेक है जो 4280 मीटर की ऊंचाई पे है, और ये झील मंडी में है और जोगिंदर नगर के पास परोट जो हमारा तहसील रहती है उसके आसपास है। अब हम बात करें चंद्रनान की, तो चंद्रनान के बारे में हमने पढ़ा, वो शिमला में है और 4260 मीटर पे है। कई बार ये इसकी ऊंचाई पूछ लेते हैं चंद्रनाहन झील की, और क्योंकि इसका जो ये चंद्रनान झील है, इससे पब्बर नदी का ओरिजिन होता है जो चांसल पीक रोरू में है। और आगे हम बात करेंगे भृगु लेक की, तो भृगु लेक रोहतांग पास से निकलती है और ये आपका कुल्लू में है। और आगे बात करें आप नाग डल लेक की, तो ये धौलाधार में है और इसका ऊंचाई 4200 मीटर है। और जो नाग डल लेक है उसके बारे में इतना इम्पोर्टेंट बाकी कुछ नहीं है, बस यही है कि इस
इसे एक्चुअली जो नाग है, जो किंग कोबरा है, वो उस लेक से भी इसे जाना जाता है। स्नेक नाग को इंग्लिश में स्नेक बोलते हैं, तो वही बात है। आगे हम बात करें मणिमहेश लेक की, तो सभी को पता है भरमौर में है और यहाँ पे फेस्टिवल भी लगता है जो शिव के लिए डिवोटेड है। तो मणिमहेश झील है ये 4,080 मीटर की ऊंचाई पे है, तो इसकी ऊंचाई भी पूछ ली जा सकती है। दूसरा, अगर बात करें महाकाली लेक की, ये 4,080 मीटर की ऊंचाई पे है, जिसे जो खजियार से बड़ी है। आगे हम बात कर लेते हैं लामा डल, जो हमारी झील है 3,960 मीटर की ऊंचाई पे है और ये चंबा में है। आप अगर बात करें तो ये सबसे बड़ी, बिगेस्ट ऑफ ऑल लेक्स एरिया 2 किलोमीटर स्क्वायर है। और उसके अलावा हम नाकुल लेक की बात करते हैं, नाको झील की बात करते हैं, तो 3,662 मीटर पे है। और कामरू नाग लेक है 3,334 मीटर की ऊंचाई पे मंडी में। नाको लेक आपकी किन्नौर में है। और आगे हम बात करते हैं गंडासुरु लेक की, जो 3,505 मीटर की ऊंचाई पे चंबा में है, ठीक है। आगे बात करें करेरी लेक की, 2,934 मीटर की ऊंचाई पे है और ये आपकी झील जो है 35 किलोमीटर दूर है धर्मशाला से। तो आगे पराशर लेक की बात कर लेते हैं। पराशर लेक सभी को पता है मंडी में है। और डल लेक की बात करें, और पराशर लेक की ऊंचाई 2,730 मीटर है। पराशर लेक के बारे में कुछ स्टोरी है जो हम आगे हिस्ट्री में कवर करेंगे। जितनी भी लेक्स है इनसे रिलेटेड जो भी स्टोरी है वो हम हिस्ट्री में कवर करेंगे। डल लेक है वो 1,775 मीटर है, धर्मशाला में है। उसके अलावा खजियार लेक चंबा में है। और कुमारवा लेक 3,151 मीटर पे है, जो मंडी में है। रिवालसर लेक भी मंडी में है। रेणुका लेक सिरमौर में है, जो जिसे हम नेचुरल लेक बोलते हैं, जो सबसे बड़ी नेचुरल लेक है, जिसकी जो लेंथ है वो 3,214 मीटर है। मछियाल लेक आपकी मंडी में आ गई। चंद्रकूप ताल लेक, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, 3,450 मीटर चंबा में है। मछियाल लेक कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी है एक। इससे पहले आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि मछियाल लेक एक मंडी में भी है और एक मछियाल लेक कांगड़ा में भी है, ठीक है। और आगे बात करें हम अगर रिवाल्सर की, तो रिवाल्सर की ऊंचाई है 1,360 मीटर पे है। और इसके बाद बारे में, जिसे फ्लोटिंग आइलैंड भी कहा जाता है, इसके बारे में एक हमारे पास स्टोरी है किंग की। ये इसके स्टोरी के बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी फिर ये स्टोरी है ये हिस्ट्री में भी आती है, तो इसके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, हिस्ट्री में कवर कर लेंगे इसको। आगे हम बात करते हैं सुकेती लेक की, तो ये सिरमौर में है। सुखसार लेक है, मानतलाई लेक 4,200 मीटर पे है। और इसका पिन पार्वती पास के पास से निकलती है और इसका सोर्स पार्वती रिवर है मानतलाई लेक से, ठीक है। आगे बात करें श्रिंग टिंगू लेक, ये कुल्लू में है। इतना सारी लेक को याद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कुछ कुछ लेक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे रेणुका लेक आपको पता ही है, रेणुका लेक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके पीछे भी स्टोरी है, जो हम जब सिरमौर डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये स्टोरी कवर हो जाती है।
मैन मेड लेक देखेंगे तो गोविंद सागर है 515 मीटर, और इसके बारे में, इसके जो एक कब बनी थी और ये, इसके बारे में सब कुछ हम हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे, क्योंकि जब गोविंद सागर लेक बनी, भाखड़ा डैम बना, ये सब कुछ ये हम उसमें कवर कर लेंगे। पोंग लेक जिसे हम महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं, ये 436 मीटर पे है, इसके बारे में भी हम हिस्ट्री में कवर करेंगे, क्योंकि इसका भी जिक्र हिस्ट्री में आता है। आप पर सिर्फ अभी इतना याद होना चाहिए कि कौन सी झील कितनी ऊंचाई पे है और कौन सी जिले में है। पंडोल लेक मंडी में है, ठीक है। और आगे हम बात करें चमेरा लेक की, तो चमेरा लेक हमारी चंबा में है। तो ये कुछ लेक्स थी जिनके बारे में हमने शॉर्ट में पढ़ा, और इसके बारे में अगर हम बात करेंगे जो इसकी हिस्ट्री है उसके बारे में, हम जो हमारा हिस्टोरिकल जब चलेगा उसमें हम पढ़ेंगे, जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी लेक्स का भी जिक्र रहता है, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड होती है। लेक का ओरिजिन कैसे हुआ, या फिर लेक के पास कौन लोग रहते थे उनके बारे में, या फिर किसी ऋषि ने अगर तपस्या की है उसके बारे में, तो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस लेक्स की रहती है, तो वो हम हिस्ट्री वाला जब हमारा पोर्शन आएगा उसमें कवर करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट था, जिसमें हमने सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सी झील कितनी ऊंचाई पे है और कौन सी झील सबसे बड़ी है, कितनी ऊंचाई पे बड़ी है। जैसे कि हमें अगर मानव निर्मित झील की बात करी जाए, बड़ी की, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील तो गोविंद सागर झील हो गई, और सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सॉरी, कृत्रिम और मानव निर्मित एक ही बात हो गई, सबसे बड़ी नेचुरल प्राकृतिक झील रेणुका हो गई, और सबसे हाई ऑल्टीट्यूड पे सूरजताल झील है जो 4883 मीटर पे है, जहाँ से आपकी भागा रिवर निकलती है और लाहौल स्पीति में है। और चंद्रताल झील, जिसे लेक ऑफ मून कहा जाता है, वो आपकी 4270 मीटर पे है, और ह्यून सांग ने इसे लोहित्या सरोवर कहा था, इसीलिए ये भी इम्पोर्टेंट रहती है। उसके अलावा हमने काफ़ी सारी झीलें पढ़ ली हैं, तो इनके बारे में आपने यही याद रखना है, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो पूछी जाती है। एक बार हम रिवाइज करेंगे। मणिमहेश झील आपकी चंबा में है, चंद्रकूप ताल आपकी चंबा में है, और लामा डल भी आपकी चंबा में है। पोंग डल मछियाल और करेरी, डल मछियाल और करेरी ये आपकी कांगड़ा में है, और जो इसमें मैंने वही झीलें लिखी है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे पराशर, रिवालसर और पंडो, ये तीन मंडी में बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुल्लू में बात करेंगे तो दशहर, सखालसर और मानतलाई, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नाको सोनंग झील कुल्लू में, सॉरी, किन्नौर में बहुत इम्पोर्टेंट है, और शिमला में चंद्रनाहन झील हो गई, बाड़ाडोसर झील हो गई, और कराली झील। तो ये कुछ झीलें थी, और सूरजताल और चंद्रताल के बारे में हमने बात कर ली है, तो ये झीलों के बारे में था। बाकी हम हॉट स्प्रिंग्स के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।